सभी को नया नमस्कार। इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। हम आज की कार्यशाला का शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रोफेसर निदेशक प्रोफेसर गोविंद सिंह हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भूपेन्द्र सिंह जी भी मौजूद हैं, जो आपको अभी कार्यशाला में काफी जानकारी देंगे। साथियों, कोरोना महामारी के चलते इस बार हमारी जो नियमित कार्यशाला थी वो हो नहीं पाई है, तो आज उसी के एवज में ये वेबिनार का ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है और इसमें हमारे डायरेक्टर सर भी मौजूद हैं। अब आज मैं आपको आपके सब समस्याओं का, जो भी शंकाएं हैं, सिलेबस से लेकर शोध कार्य से लेकर या असाइनमेंट से लेकर, उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाद में सभी स्टूडेंट इस संबंध में पूछ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग को लेकर आपको बताना चाहूंगा। समाचार संकलन कैसे करते हैं और कैसे लिखते हैं, तो रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग क्या है, कैसे की जाती है, और समाचार लेखन जिसको हम कहते हैं, तो बेसिकली समाचार लेखन को ही रिपोर्टिंग कहा जाता है। रिपोर्टिंग कैसे की जाती है और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है? रिपोर्टिंग मुख्य रूप से, रिपोर्टिंग में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, समाचार का संकलन करना और उसको प्रस्तुत करना। प्रकार के अपने निजी सोर्स होते हैं, अपना निजी उसका व्यू होता है, उनके बल पर कोई भी रिपोर्टर समाचार संकलित करता है। समाचार संकलन के बाद उसका प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका प्रस्तुतिकरण ही समाचार की जान होती है। समाचार संकलित करने के साथ उसका प्रस्तुति करने का जो ढंग है वो सबसे बेटर होना चाहिए, क्योंकि तो वो आपके समाचार में या खबर में जान डाल देता है। खबर कैसे लिखाई जाती है? खबर लिखते समय हमें बेसिकली कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसका इंट्रो, सबसे जो आमुख कहते हैं, इंट्रोडक्शन जो होता है, उस पर विशेष हमें ध्यान रखना होता है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, कैसे लिखें। और क्योंकि किसी भी खबर का, रिपोर्ट का जो सार होता है वो इंट्रोडक्शन, इंट्रो होता है। इंट्रोडक्शन के पढ़ के ही पूरी खबर का आइडिया लगा लिया जाता है कि ये खबर कैसी है, क्या है, इसलिए इसका प्रभावी होना बहुत जरूरी होता है। इंट्रो मुख्य रूप से छोटा हो और बहुत ही सरल भाषा में हो। खबर का प्रस्तुतिकरण सरल भाषा में होना चाहिए और जितनी खबर को आप सरलता से प्रस्तुत करेंगे उतनी वो ज्यादा पठनीय होती है। समाचार का जो रूप है उसको विशेष पर ध्यान देना चाहिए कि समाचार एकदम आकर्षक हो। आकर्षक कैसे बनाया जाए? एक तो सबसे पहले जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं वो सत्यपरक होनी चाहिए, उसकी सत्यता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें हमारे जो शब्द हैं सरल होने चाहिए और वो पठनीय होने चाहिए। और आकर्षक जो शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो खबरों के और चटपटा बनाने का मतलब होता है, उसको और ज्यादा पठनीय बना देती है। प्यारे दोस्तों, जनरली आम तौर पर ये वर्कशॉप जो है वो साल में 2 बार हम लोग करवाते रहे हैं और चार चार दिन की वर्कशॉप करवाते रहे हैं देहरादून और हल्द्वानी में। लेकिन आप जानते हैं कि हम बहुत संकट काल की स्थिति में मिल रहे हैं और इस समय जो है कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए फिलहाल जो है ये वर्कशॉप हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं,
बहुत दिन से सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो इसलिए जो है हमने सोचा कि एक दो दिन की ही सही, एक का हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, शिक्षार्थियों के साथ एक इंटरेक्शन हमारा होना चाहिए। आखिर कौन है जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, एक इंटरेक्शन के लिए हमने ये वर्कशॉप आयोजित की है। हम लोग तीन इस विभाग में कार्यरत हैं। मैं प्रोफेसर गोविंद सिंह हूं, जो इस डिपार्टमेंट को हेड करता हूं मास कम्युनिकेशन को, और मेरे हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उसके साथ जो है डॉक्टर श्री राजेंद्र कुईरा जी हैं जो अभी तक बोल रहे थे, शायद किसी किन्हीं कारणों से उनका इंटरनेट कनेक्शन जो है डिसरप्ट हो गया है, तो इसलिए जो है मैंने मुझे लगा कि थोड़ा सा इस कार्यशाला का परिचय आप लोग को मैं दे दूं। तो इस कार्यशाला में मेनली जो है जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे नहीं कहना चाहिए, आप लोग तो हमारे बराबर के हैं और बहुत सारे लोग हमसे भी हो सकता है कि ज्यादा उम्र के हों। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 80 साल तक के लोग जो है वो पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में जो है वो क्या हो सकता, फोर्थ सेमेस्टर में खास करके एक पूरा इंटीग्रेटेड हमारा पेपर है जो डिसर्टेशन का है, और डिसर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिसर्टेशन जो है वो एक स्पेशलाइजेशन मांगता है, रिसर्च का प्रारंभिक रूप है, वो पीएचडी करते हैं आगे चल करके, एमफिल करते हैं, तो एमफिल का एक आरंभिक रूप जो है वो डिसर्टेशन है। आपको इसके लिए 6 महीने मिले हैं, तो इस 6 महीने में आप लोग क्या क्या कर चुके हैं इस फील्ड में, क्या विषय आपने लिए हैं, तो इसकी एक जायजा हम लोग लेंगे। हमारे साथी भूपेंद्र सिंह कल जो है इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, और कुईरा जी रिपोर्टिंग के बारे में बता रहे थे, और मैं आपको थोड़ा राइटिंग के टिप्स बताऊंगा आज, लेखन कैसे किया जाता है। कारण यह है कि जो जो पत्रकार बनना चाहता है, जो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में आना चाहता है, उसकी पहली शर्त जो है वो ये है कि उसको लिखना आना चाहिए। यदि लिखना नहीं आता है, सिर्फ बोलना ही बोलना आता है, तो फिर नहीं चलेगा। मतलब यदि टेलीविजन की बात करें आप, जहां ज्यादातर बोलने का काम होता है, वहां भी जो है वो लिखने के बगैर आपको छुट्टी नहीं मिलती है, लिखना जरूरी है। वहां भी जो अच्छे अच्छे लाइव एंकर होते हैं, वो भी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वहां बहुत जरूरी है। ये जरूर है कि वहां थोड़ा कम लिखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जो लंबे प्रोग्राम होते हैं उनमें वहां भी ज्यादा लिखना पड़ता है, काफी जो है 10-10, 20-20 पेज की स्क्रिप्ट बनती है, तब जा करके आपके आधे घंटे का प्रोग्राम जो है वो कंसीव होता है। तो इसलिए जो है वो लिखना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको बाद में राइटिंग के टिप्स बताऊंगा थोड़े से, क्या राइटिंग है और जर्नलिस्टिक राइटिंग क्या है, क्रिएटिव राइटिंग क्या है, बाकी जो राइटिंग के जो बाकी तमाम फील्ड हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे क्या होता है, तो इस पर मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रकाश डालूंगा। तो मैं, मेरे पास एक पीपीटी है प्रेजेंटेशन, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। तो मीडिया राइटिंग पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, और मीडिया के लिए राइटिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि हर फील्ड में आप सिनेमा में जाएंगे तो भी राइटिंग करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत जरूरी है, और एक छोटी सी 1 मिनट की रिपोर्ट आप टेलीविजन के लिए बनाते हैं तो भी आपको 1.5-2 पेज जो है लिखने पड़ते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो बहुत लंबा, काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, 2-2, 3-3 बार लिखना पड़ता है, स्क्रीन प्ले अलग तरीके से लिखना पड़ता है, और इसलिए लेखन जो है मुझे लगता है कि मीडिया राइटिंग मीडिया की जड़ है। यदि रीड है एक तरह से, यदि आपको राइटिंग आती है तो आप मीडिया में सफल हो सकते हैं। यदि आपने कोर्स न भी किया हो, आप अच्छा लिखते हैं,
तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे जो है पत्रकार बन सकते हैं। आप तो खैर आप तो सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के कोर्सेज आज चल रहे हैं। जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तब इस तरह के कोर्सेज बहुत ही कम थे, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और दो तीन जगह जो है इस तरह के कोर्सेज हुआ करते थे, बाकी जगह कोर्सेज नहीं थे। तो बाकी लोग जो है वो सीख सीख करके और छपा हुआ शब्द पढ़ पढ़ करके, लेख पत्रिकाओं को पढ़ करके, अखबारों को पढ़ करके, अखबारों में छपे हुए लेख पढ़ पढ़ करके सीखते थे। बहुत सारे पत्रकार पुराने जमाने के ऐसे हैं जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल पास करके संपादक बन गए और लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अच्छा लिखते थे। तो अच्छा यदि आप लिखते हों तो आप बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में न जाऊंगा, उसके जो आगे के जो आयाम है उस पर आता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह का लिटरेचर होता है सारे संसार में। जिसको हम लोग हिंदी में वांग्मय बोलते हैं। वांग्मय का मतलब है जो कुछ छपा हुआ शब्द है, जिसमें ताड़पत्र और भोजपत्र भी आते हैं, उसमें किसी भी तरह का साहित्य है, उसमें लिटरेचर भी है, उसमें तरह तरह के विषय भी हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तरह तरह के जितने भी तरह के विषय हो सकते हैं वो सब लिटरेचर में आते हैं। इंग्लिश में उसको लिटरेचर ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसके लिए बहुत अच्छा शब्द है वांग्मय। तो वांग्मय के दो हिस्से हैं, एक तो है लिटरेचर ऑफ नॉलेज और दूसरा है लिटरेचर ऑफ पावर। तो लिटरेचर ऑफ नॉलेज का मतलब है जो ज्ञान का साहित्य है। अज्ञान का साहित्य का मतलब है कि जो तरह तरह के विषय हैं संसार में, जितने भी तरह का ज्ञान है, वो जितने भी तरह के डिसिप्लिन हैं, जितने भी तरह के विषय हैं, वो सब जो है लिटरेचर ऑफ नॉलेज में आते हैं। और लिटरेचर ऑफ पावर जो है वो ऐसा लिटरेचर है जो हमको ऊर्जा देता है, जो हमको मैच्योरिटी प्रदान करता है, वो होता है क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव लिटरेचर, सृजनात्मक साहित्य। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाई की जरूरत हो। लिटरेचर ऑफ नॉलेज के लिए तो आपके पास राइटिंग स्किल आपके पास है, थोड़ा आप लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, ठीक से भाषा आपको आती है, तो आप लिटरेचर ऑफ नॉलेज लिख सकते हैं। लेकिन लिटरेचर ऑफ पावर जो है, क्रिएटिव राइटिंग जो है, वो आप हर आदमी नहीं कर सकता है। उसमें कविता है, कहानी है, नाटक है, व्यंग्य है, ललित निबंध है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो क्रिएटिव टाइप की चीजें हैं, वो हर कोई नहीं लिख सकता है। उसके लिए कहा जाता है कि कवि जो है वो पैदाइशी होते हैं, साहित्यकार पैदाइशी होता है। और हालांकि अब आज की तारीख में ये भी, इस पर भी काफी विचार विमर्श चल रहा है कि क्या साहित्य को भी सिखाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपके पास बेसिक एप्टीट्यूड है साहित्य का और अंदर से कुछ अर्ज है आपके अंदर जो है यदि भावना है लिखने की, तो आपको तराशा तो जा सकता है, लेकिन मूलतः जो है जो क्रिएटिव राइटिंग वो अंदर से होती है, हर आदमी नहीं बन सकता। उसके लिए एक अलग तरह की सेंसिटिविटी चाहिए, अलग तरह की संवेदनशीलता चाहिए, तब जा करके आप क्रिएटिव राइटिंग लिख सकते हैं। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, आयोवा विश्वविद्यालय है जैसे, ईस्ट वेस्ट सेंटर है, जहां क्रिएटिव राइटिंग की भी पढ़ाई होती है। इग्नू वाले जो है क्रिएटिव राइटिंग पर एक डिप्लोमा करवाते हैं, लेकिन वो एक परिचय देते हैं और उससे आप क्रिएटिव राइटर कवि बन जाएंगे ये जरूरी नहीं। कवियों की संगत करेंगे तो ही आप बहुत अच्छे कवि नहीं बन सकते हैं, पर आपके अंदर जो है कविता का कीड़ा जो है वो होना जरूरी है। बेसिक कीड़ा जो है यदि आपके अंदर कविता का है, तभी आप कवि बन सकते हैं, तभी आप साहित्यकार बन सकते हैं। तो लिटरेचर ऑफ नॉलेज में मैं बता रहा था कि अलग अलग तरह के डिसिप्लिन हैं और लिटरेचर ऑफ पावर में क्रिएटिव राइटिंग है, जो जिसमें कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है,
व्यंग्य है, इस तरह की चीजें हैं। तो अब हम आते हैं मीडिया राइटिंग पर। तो मीडिया राइटिंग जो है, मीडिया राइटिंग क्या है, सवाल ये है कि क्या क्रिएटिव है या मीडिया राइटिंग जो है वो लिटरेचर ऑफ नॉलेज है। तो क्या है लिटरेचर? जो पहले की हमारी पत्रकारिता थी, आज से 30 साल 40 साल पहले की, उसमें साहित्य बहुत बड़ा रोल निभाता था। पत्रकारिता में जो साहित्य था वो बहुत बड़ा रोल उसका होता था। जो पुराने हमारा जो पत्रकारिता थी, उसमें जब हमारे पास ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, पत्रकारिता की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी देश में, देख देख करके, पढ़ पढ़ करके लोग पत्रकार बना करते थे, तब ज्यादातर लोग जो है वो साहित्यकार पत्रकारिता में आया करते थे। और वो इसलिए आते थे क्योंकि उनकी भाषा अच्छी होती थी, और इस बहाने से उनको छपने का मौका मिल जाता था। एक कवि है तो उसकी कविता जो है वो छप जाती थी, कहानीकार है तो कहानियां छप जाती थी, और पत्र पत्रिकाओं में काफी मात्रा में साहित्य छपा करता था, कविता कहानी इस तरह की चीजें बहुत छपा करती थी। तो तब जो है वो साहित्य भी बहुत जरूरी था। लेकिन अब धीरे धीरे स्वरूप पत्रकारिता का बदलता जा रहा है। आज जो है वो एक तरह से लिटरेचर ऑफ नॉलेज बन गया है, ज्ञान का साहित्य बन गया है। तो ऐसे में, हालांकि मुझे ये लगता है कि पत्रकार के लिए एक बेसिक इंस्टिंक्ट होना जरूरी है, तो इस तरह से जो है आज की जो पत्रकारिता है उसमें मुझे ये लगता है कि एक आपके अंदर, यदि आप सचमुच पत्रकार बनना चाहते हैं, तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो है पत्रकारिता का होना चाहिए। आपके अंदर वो संवेदनशीलता होनी चाहिए जो खबरों के लिए संवेदनशील हो, जो जनता की समस्याओं को, जनता के हित को जो है महसूस कर सकती हो। ये नहीं कि आप बहुत ही असंवेदनशील हैं और कोई घटना घट रही है और सामने से आप गुजर गए, आपने फील भी नहीं किया उस चीज को, लेकिन ये फीलिंग जो है पत्रकार के अंदर होनी चाहिए और भाषा की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आज पूरी तरह से क्रिएटिव राइटिंग तो नहीं है पत्रकारिता, आज लिटरेचर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का साहित्य है, और उसमें अब ये धीरे धीरे सोशल साइंसेस के अंदर आता जा रहा है। समाज विज्ञान जो है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें समाजशास्त्र है, और इस तरह के जो विषय हैं समाज के, उन विषयों के अंतर्गत अब इसकी गणना होने लग गई। तो इसलिए जो है इसकी गणना, इसके जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो विषयों की, आपको फैक्ट्स की जानकारी हो, न्यूज के प्रति आपका नोज हो, मतलब ग्रहण शक्ति आपकी जो है न्यूज को समझने के लिए वो तेज हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि लिखने के लिए आपके मन में चाह हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। हाँ, तो मीडिया राइटिंग इसीलिए होती है क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो यह है कि आप जो है वो अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, आप दूसरा जो है समाज की जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह के अंतर्विरोध हैं, वो सब आपको कचोटते हैं, आप उनको सामने लाना चाहते हैं। आपके इलाके में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप सामने लाना चाहते हैं, तो इसलिए जो है आप मीडिया राइटिंग करना चाहते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर समाज के प्रति एक संवेदनशीलता होना बहुत जरूरी है। तो मीडिया राइटिंग के क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये आपके आपके सिलेबस में चाहे कितना हो या न हो, लेकिन ये आपके जीवन में काम आएगा। यदि आप वाकई पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इन चीजों को समझना चाहिए आपको, तब जा करके आप ठीक से पत्रकार बन पाएंगे। तो अखबारों में जो है सबसे ज्यादा जो चीजें छपती हैं वो है न्यूज, समाचार। क्वीरा जी हमारे साथी जो है बता रहे थे कि समाचार का संकलन और समाचार का लेखन जो है वो कैसे होना चाहिए। समाचार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें ये ध्यान में रखा जाता है 5W&1H,
ये बिल्कुल ये सूत्र है, बहुत ही जरूरी, बहुत पुराना सूत्र है, लेकिन आज भी ये सूत्र जो है वो ज्यों का त्यों जो है प्रासंगिक है। तो इसमें 5 W हैं, आपको न मालूम हो तो आप लिख लें भले ही। पहला W है व्हाट, फिर उसके बाद है हु, कौन, क्या घटना घटी, कौन आदमी है जो इसमें इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद व्हेन, कब ये घटना घटी, फिर कहाँ ये घटना घटी, वेयर, फिर उसके बाद व्हाई, क्यों ये घटना घटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाई, फिर उसके बाद 5 W and 1 H, छठा जो है वो एच है, एच का मतलब है हाउ। तो ये 5 W and 1 H का सूत्र जो है आप याद कर लीजिए, और न्यूज की कलेक्शन के समय जब आप किसी घटना स्थल पर जाते हैं या आप एक लेमैन के तौर पर भी किसी घटना को कवर करते हैं, आज तो आप जानते हैं कि हर आदमी एक तरह से सिटीजन जर्नलिस्ट है, हर आदमी जो है पत्रकारिता करता है, फेसबुक जो है, फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है, प्रकाशक बना दिया है, संपादक बना दिया है, तो आप जो है वो अपने घर बैठे बैठे पत्रकार बन सकते हैं। तो इसलिए न्यूज की जो ये बेसिक, जो ये न्यूज ही नहीं मतलब बाकी तमाम जितनी भी विधाएं हैं साहित्य पत्रकारिता की, उन सब में काम आता है। तो 5 W and 1 H का आप जो है वो सूत्र नोट कर लें, और इन सूत्रों के हिसाब से कहीं भी किसी भी घटनास्थल पर जाएं तो फिर ये 5 सूत्र आप खोजें, देखें कि ये घटना क्या है और कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, कब ये घटना घटी। जैसे आपको मालूम होगा कि जो है अभी चल रहा मामला सुशांत की केस में, सुशांत मर्डर केस में, कि बंबई में अक्सर ये कहा जा रहा है, अभी एम्स की टीम गई हुई है वहां तफ्तीश करने के लिए, तो कह रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी तारीख नहीं लिखी गई, समय नहीं लिखा गया, तो कब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी भी घटना की रिपोर्टिंग करते समय कब का महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो व्हेन, ये कब ये घटना घटी, फिर उसके अलावा वेयर, कहाँ है, मतलब उस जगह के बारे में जब आप लिखें तो पूरे वेयर अबाउट्स लिखें, उसके बारे में पूरी जानकारी दें, कहाँ है, मतलब ये जगह जो है हल्द्वानी से जो है वो कितनी दूर है, यदि देहरादून के पास है तो देहरादून से कितनी दूर है, और ऋषिकेश से कितनी दूर है, वहां से हॉस्पिटल कितना नजदीक है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो कोई दुर्घटना घटती है बाय चांस जो है, समझिए कि मान लिया जाए एक बस दुर्घटना घट गई, तो कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, और किस जगह पर यह दुर्घटना घटी, वो कैसा मोड़ था, कितना बड़ा गड्ढा था, ये सारी चीजें आपको, जैसे गड्ढा आप दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गड्ढा था, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक पत्रकार और एक आम आदमी में यही फर्क है, आम आदमी कह देगा बहुत बड़ा गड्ढा था, बहुत बड़े खड्ड में गिर गया, लेकिन पत्रकार कहेगा नहीं 100 मीटर गहरा था, 200 मीटर गहरा था। तो इस तरह से आपको एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चीजों को रखना चाहिए। फिर व्हाई, क्यों ये घटना घटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बाकी जो हमारी विधाएं हैं लेखन की उनमें भी ये चलेगा। तो क्यों जो है ये घटना घटती है, क्यों घटना घटी, ड्राइवर जो है वो शराब पिए हुए था, या सड़कें खराब थी, या लैंडस्लाइड आ गया था, या कोई और प्रॉब्लम थी, तो इस तरह की जो है जो भी, या अचानक से कोई जो है वो पीछे से दूसरी गाड़ी आ गई, डंपर आ गया था, तो ये क्यों जो है घटना घटी, ये बहुत जरूरी है, ये जानना चाहता है पाठक कि क्यों घटना घटती है। फिर इसके अलावा हाउ, कैसे घटना घटी, विवरण जो है उसका देना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है कैसे घटना घटी, वहां से ये आ रहा था, वहां से ये जा रहा था, फिर यहाँ ये हुआ, फिर यहाँ नीचे गिरा, तो कैसे वाला जो आस्पेक्ट है ये बहुत एलैबोरेटिव होता है, इस पर आपकी स्टोरी जो है वो डेवलप होती है। तो इस तरह से जो है न्यूज वाला जो आस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखें आप और इसको पहले कलेक्ट करें, मतलब सही जगह पर से यदि आपने कलेक्ट कर ली न्यूज, गैदरिंग, न्यूज गैदरिंग सही आपकी हो गई, तो निश्चित रूप से आप
लिखेंगे भी फिर उसको अच्छी तरह से। न्यूज जो है घटना जहां भी घटती है वो ठीक है वहां पर घटती है, लेकिन न्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके दिमाग में होता है, और दिमाग में जो है आप प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये इसकी मैं रिपोर्टिंग करूंगा और कैसे इसको लिखूंगा, तो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है न्यूज फीचर, और न्यूज फीचर में थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि देर हो रही है और बाकी साथी भी हैं बोलने वाले। न्यूज फीचर जो है वो न्यूज का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। न्यूज फीचर जो है जैसे आप एक रिपोर्टर हैं, आप किसी घटना स्थल पर जाते हैं और वहां जो है आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं, आपका दिल पसीज जाता है उस घटना को देख करके, आप आकर के तुरंत जो है आप पर प्रेशर पड़ता है अपने ब्यूरो चीफ की तरफ से कि भाई फटाफट न्यूज लिख करके दो, तो आप खड़ी बोली में एक तरह से बिल्कुल सपाट भाषा में टू द पॉइंट जो है इतने मरे इतने घायल इतना एक्सीडेंट ये वो चार छह चीजें मिला करके खबर लिख देते हैं। लेकिन जो न्यूज फीचर होता है वो थोड़ा सा उससे आगे की चीज होता है, ये जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपको वहां देख करके लगा महसूस हुआ और जो एक तरह से आपको नई चीज उसमें दिखाई दी, वो सब चीजें आप फिर फीचर में लिखते हैं। कई बार फीचर उसी दिन लिखा जाता है और कई बार दूसरे दिन भी लिखा जाता है। उसके लिए भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाव प्रधान होनी चाहिए, इमोशनल भाषा होनी चाहिए और थोड़ा अच्छी तरह से उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद है न्यूज एनालिसिस। न्यूज एनालिसिस जो है वो विश्लेषण होता है, उसमें भाव की जगह नहीं है। न्यूज एनालिसिस में आमतौर पर वो भी उसी दिन छपता है जिस दिन घटना घटती है, जैसे बजट आता है, जैसे कोई चुनाव का परिणाम आता है, या जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बहुत बड़े पैमाने पर जो है जनधन की हानि हो जाती है, तो ऐसे में पाठक चाहता है कि न्यूज के अलावा भी उसको थोड़ा और उसकी भूख जो है वो शांत होनी चाहिए। ये घटना आखिर क्यों घटी, इसके क्या रिपरकशंस पड़ेंगे, क्या मतलब आगे चल करके होगा, क्यों मतलब कैसे कैसे घटना घट गई इतनी बड़ी घटना, तो ये जो है ये दिमाग में जो सवाल होते हैं इनका उत्तर न्यूज एनालिसिस में दिया जाता है। आम तौर पर जो रिपोर्टर है कोई सीनियर रिपोर्टर वो उसका न्यूज एनालिसिस करता है, या कोई असिस्टेंट एडिटर न्यूज एनालिसिस करता है जिसको अनुभव होता है इस चीज का, जो थोड़ा बारीकी के साथ वस्तुनिष्ठता के साथ ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका विश्लेषण कर सके। फिर उसके बाद है आर्टिकल, फिर उसके बाद हम आर्टिकल पर बाद में आएंगे। फिर उसके बाद आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल जो है वो भी उसी घटना पर होता है। मैं एक ही चीज को लिए फिर रहा हूं, लिए चल रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। एडिटोरियल जो है वो घटना को बड़ी घटना घटती है तो उस पर एडिटोरियल लिखा जाता है। एडिटोरियल को कहा जाता है फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड तो अखबार को कहा जाता है क्योंकि हम उसको जबरदस्ती लेते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं, अपनी पसंद का अखबार लेते हैं, तो लेकिन जो एडिटोरियल है वो हम ये मानते हैं कि एडिटोरियल में हमारे मन की गुत्थी जो है, जो हमारे मन में गुत्थी रह गई है उसको सुलझाया जाएगा। यानी यदि कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक से जो है एनालिसिस में नहीं कहा जा रहा है, ठीक से जो है न्यूज फीचर या न्यूज में नहीं जो बात आई है, तो एडिटोरियल में वो बात आएगी। और एडिटोरियल में सीधे सीधे सपाट भाषा में एडिटर अपना विचार लिखता है, अखबार का विचार होता है वो, एडिटर का विचार भी नहीं, एक तरह से व्यक्ति का विचार नहीं होता है, वो अखबार का विचार होता है। तो इस तरह से जो है एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, आत्मा इसको कहते हैं, अखबार की आत्मा जो है वो एडिटोरियल होता है। तो एडिटोरियल लिखना आसान काम नहीं है, काफी अनुभव के बाद जब आपको 10 साल हो जाते हैं अखबार में काम करते हुए, यदि आपकी अंतर्दृष्टि वैसे ही बहुत अच्छी है तो आप 7-8 साल में भी कर सकते हैं,
और बहुत सारे लोग अपना अखबार चलाते हैं तो वो पहले ही दिन से ही एडिटोरियल लिखने लग जाते हैं, लेकिन आम तौर पर एडिटोरियल जो है वो अनुभवी आदमी लिखते हैं और एडिटर के नाम से वो छपता है, पर वो लिखते हैं आमतौर पर असिस्टेंट एडिटर या एसोसिएट एडिटर जो उनके माथत जो है जो उनकी विचारधारा के हिसाब से लिख सकें। ये हुआ एडिटोरियल। फिर उसके अलावा एक है कमेंट्री, नीचे और आ जाइए कमेंट्री। तो कमेंट्री भी उसी घटना पर होती है और कभी कभी जब बड़ी बहुत बड़ी घटना घट जाती है, बजट हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो हम लोग जो है अखबार के दफ्तर में वो किसी विशेषज्ञ से कमेंट्री लेते हैं, किसी जनरल से कमेंट्री लेते हैं, किसी अर्थशास्त्री से कमेंट्री लेते हैं बजट के अवसर पर, किसी रिजर्व बैंक के गवर्नर से कमेंट्री लेते हैं, इस तरह से उसकी कमेंट्री लेते हैं ताकि वो जो विशेषज्ञ है वो क्या सोचता है इस विषय पर, वो भी एक तरह से एडिटोरियल की ही तरह से लिखता है, लेकिन उसमें उसके अपने विचार होते हैं, वो अपने विचार लिख सकता है और वो अखबार के अपने विचार नहीं होते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि अखबार अपनी पसंद के लोगों से ही कमेंट्री लिखवाता है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कमेंट्री जो है जो कमेंटेटर के विचार हैं वो ही लिखे जाते हैं। फिर इसके अलावा है कॉलम, फिर इसके अलावा है आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है वो इन सभी घटनाओं पर, ये जो घटना है एक घटना है, उन घटनाओं के तमाम पहलू जितने भी हो सकते हैं उन पहलुओं पर विचार करने के लिए आर्टिकल लिखा जाता है। आर्टिकल का कोई ना कोई एक एंगल होता है, जरूरी नहीं कि हर घटना के हर एंगल पर आर्टिकल लिखा जाए। आपके मन में कोई बात होती है, आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप आर्टिकल लिखते हैं, और आर्टिकल लिखने से पहले आपको बहुत सोच विचार करना पड़ता है, जो घटना है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके बारे में पहले क्या लिखा गया है ये भी जानकारी होनी चाहिए, और कौन क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, प्रोस कॉन्स क्या है, क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, ये लिखना चाहिए। एक तरह से वकील तरह का काम है, वकील जिस तरह से अपने केस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है उसी तरह से आर्टिकल लिखने वाला लेखक भी अपने केस को, अपने मुद्दे को प्रेजेंट करता है। उसमें भावना थोड़ा बहुत होती है, उसमें विचार और तर्क ज्यादा होते हैं, तर्क ज्यादा होते हैं, खास करके अध्ययन उसके लिए बहुत करना पड़ता है, अध्ययन बहुत जरूरी है। यदि आपका ज्ञान नहीं है तो आप आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। तथ्यों से भरपूर होना चाहिए, बिना तथ्य के आप आर्टिकल लिखेंगे तो लोग उसको नकार देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है तथ्यों से समृद्ध उसको होना चाहिए इस तरह से जो है। और किसी भी, वैसे आर्टिकल किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, वो विज्ञान से लेकर के साहित्य तक किसी भी विषय पर लिखा जाता है। आम तौर पर जो है जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, युद्ध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, समाज है, समाज की समस्याएं हैं, टेंडेंसीज हमारे समाज में नई नई प्रवृत्तियां उभर के आ रही हैं, वो सब जो है मुद्दे हैं, तरह तरह के समाज में उठते रहते हैं बीच बीच में मुद्दे, उन मुद्दों पर आर्टिकल लिखे जाते हैं। यदि आप किसी भी पुराने विषय पर लिख देंगे तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। ये जरूरी है कि प्रासंगिक विषय पर ही आप आर्टिकल लिखें, जो मुद्दा मौजूद है, प्रासंगिक है, जो रेलेवेंट है आज के समय में, जो चल रहा है उसी पर आप आर्टिकल लिखें। बहुत पुराने विषय पर लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, पुराने विषय पर भी हो सकता है बशर्ते कि उस पर कोई नई खोज हुई हो, जैसे अयोध्या में खुदाई हुई, तो खुदाई जो है वो पुराना विषय है, आर्कियोलॉजी का विषय है, लेकिन खुदाई में कुछ नई चीजें मिल गई तो उसको लेकर के आर्टिकल लिखे गए, ये खुदाई की चीजें सही हैं कि नहीं है, कैसा है, क्या है, मुद्दे जो है जो उसके पक्ष विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो सब जो है फिर आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने बताया आपको कि आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, हर आदमी, हर पत्रकार आर्टिकल लिखना चाहता है और आर्टिकल लिखना आना भी चाहिए। यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आर्टिकल लिखना आना चाहिए,
ये तो खैर मैंने आपको तरीके बताए आर्टिकल लिखने के, लेकिन ये तरीके नहीं भी होते हैं आपके पास तो भी आप आर्टिकल लिखिए। जब हमने आर्टिकल लिखना शुरू किया था तो हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था और हमने यूं ही आर्टिकल सीख सीख करके आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे छपने लगे। छपने के साथ साथ हमको मालूम पड़ा कि किस तरह से उसमें करेक्शन हो रही हैं, करेक्शन होते होते जो है किस तरह से उसको लोग ठीक कर रहे हैं, तो इस तरह से फिर वो हमारी एक आदत बन गई। बाद में खैर मैंने डिप्लोमा भी किया, लेकिन उस डिप्लोमा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन जितना कि हमारी अपनी जील जो है ना, जो उत्साह है सीखने के प्रति, जो ललक है, उसका जो ज्यादा महत्व होता है। इसलिए आप अपने अंदर एक लेख लिखने की ललक जरूर पैदा कीजिए। और एक और इसमें मैंने न्यूज से जुड़े हुए जो विषय हैं, ये सारे सारे जो विधाएं हैं वो न्यूज से जुड़ी हुई हैं, वो हैं कॉलम। कॉलम जो है वो कोई मशहूर आदमी लिखता है, हर आदमी कॉलम नहीं लिखता है, कई बार नए लोग भी कॉलम लिखते हैं बशर्ते कि वो बहुत क्रिएटिव हों। कॉलम के लिए एक निश्चित अवधि होती है, यानी हफ्ते में एक दिन सोमवार है तो सोमवार ही लिखा जाएगा, और यदि सोमवार को नहीं लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि आज ये कॉलम किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहा है, या 15 दिन में जाता है तो 15 दिन में कॉलम छपेगा, मंथली कॉलम है तो मंथली जाएगा। तो कॉलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गेस्ट कॉलम भी होता है, इंडिया टुडे में आप देखते होंगे गेस्ट कॉलम छपता है, उसकी अवधि नहीं है लेकिन वो किसी विशेषज्ञ से वो गेस्ट कॉलम मांगते हैं। तो कॉलम जो है, कॉलम भी समसामयिक विषयों पर ही होता है। कई बार कॉलम राइटर जो है वो अपने मन की बात भी लिखता है। बहुत मशहूर कॉलम राइटर हो गया जैसे खुशवंत सिंह हैं, जैसे खुशवंत सिंह थे, जैसे आप तो नहीं रहे, या शोभा डे हैं, या इसी तरह से और बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, तो वो कुछ भी लिखें वो छपने वाला होता है। जैसे रामचंद्र गुहा हैं, वो लगातार लिखते रहते हैं, वो जो भी नया विषय होगा वो अपना, जरूरी नहीं कि समसामयिक विषय हो, कोई नया विषय पर भी शोध करके वो लिख लेते हैं। तो इसलिए जो है कमेंट्री के लिए नहीं, कॉलम के लिए जरूरी है कि वो एक विशेषज्ञ लिखे, उसकी एक विशेष अवधि होती है और वो फर्स्ट पर्सन में लिखा जा सकता है, यानी मैं शैली में लिखा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, जब मैं वहां गया था तो मैंने ऐसा देखा, तो ये मैं शैली में कॉलमिस्ट लिखता है। खुशवंत सिंह का कॉलम, यदि आप थोड़ा सीनियर हों, थोड़ा उम्र आपकी ज्यादा हो, आप 8-10 साल पहले तक आप अखबार पढ़ते रहे हों, तो खुशवंत सिंह का कॉलम सारे देश के अखबारों में, सारी भाषाओं में छपता था। सिर्फ एक कॉलम से, हफ्ते में एक कॉलम लिखते थे, एक कॉलम से उनकी आमदनी कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की होती थी। तो इस तरह से जो है वो सारे देश भर से उनके प्रशंसक जो है वो कॉलम मांगते थे, और इस तरह से वो एक देश के मशहूर कॉलमिस्ट थे, और बहुत हल्का फुल्का लिखते थे, बहुत ही उनकी जो भाषा होती थी वो बहुत ही प्रवाहपूर्ण होती थी। अंग्रेजी में लिखते थे बहुत प्रवाहपूर्ण, हिंदी में अनुवाद होकर के छपता था फिर भी बहुत अच्छा होता था। शेर व शायरी भी लिखते थे और तमाम तरह के अपने एनेक्डोट्स जो है, अपने अनुभव जीवन के, अपने प्रसंग जो है, कोई और पाठक जो है प्रसंग भेज देता था तो उसको भी उसमें शामिल कर लेते थे। तो इस तरह से जो है वो कॉलम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट्री हो गया। अब इसके अलावा कुछ और फॉर्मेट हैं, ये जनरल फीचर के कॉलम हैं। जनरल फीचर, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे किताबें पढ़िए और इस तरह के पुस्तकें पढ़िए जिनमें ये सब चीजें छपती हूं, तो आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। इंटरव्यू जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विधा है, इंटरव्यू करना आना चाहिए। यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है। जरा पानी ला दो बेटा। इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू जो है आपको पत्रकारिता के कदम कदम पर उसकी जरूरत पड़ती है। यदि आप वॉक्स पॉप करते हैं, वॉक्स पॉप का मतलब होता है कि आम आदमी के इंटरव्यू, कोई एक घटना घटती है तो ये कहा जाता है रिपोर्टर को कि जा करके तू इंडिया गेट पर या किसी चौराहे पर जा करके आम लोगों से पूछ करके आओ।
तो खट से आप अपना माइक लगाते हैं, हाँ भाई आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। इसको वॉक्स पॉप बोलते हैं, वॉक्स पॉपुली, जो तत्काल जो है आप इंटरव्यू लेते हैं, एक एक लाइन का उत्तर होता है, एक एक लाइन का प्रश्न होता है। तो ये भी बहुत टू दी पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें पूछने लग जाएं और टू दी पॉइंट का सही सही उत्तर मिले ही नहीं। ऐसे ही इंटरव्यू जो है वो विशेषज्ञ लोगों का इंटरव्यू होता है, कोई बड़ी घटना घट जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, युद्ध आ जाता है, तो उस समय किसी विशेषज्ञ का इंटरव्यू लिया जाता है, किसी जनरल का इंटरव्यू लिया जाता है, किसी भूगर्भ विज्ञानी का इंटरव्यू लिया जाता है, किसी पर्यावरणविद का इंटरव्यू लिया जाता है। तो वो इंटरव्यू जो है एक विशेषज्ञ का इंटरव्यू होता है। एक होता है सेलिब्रिटी इंटरव्यू, जो विशेषज्ञ का इंटरव्यू होता है वो तो किन्हीं खास मौकों पर ही जरूरी होता है, जो जब घटना घटती है तभी उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो सेलिब्रिटी इंटरव्यू है वो कभी भी चल जाता है, उसका भी टाइम होता है वैसे। लेकिन यदि आप के पास प्रेमचंद का इंटरव्यू है जो कई साल पहले मर गए हैं, ये तो आप वो कभी भी छप सकता है। यदि आपके पास अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू है तो कभी भी छप सकता है। यदि आपने आपके पास किसी बड़े सेलिब्रिटी का आदमी का जो है वो इंटरव्यू है तो वो कभी भी कहीं भी छप सकता है। तो इस सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आप जो है जैसे आपको एयरपोर्ट पर जो है कोई सेलिब्रिटी मिल गए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन आप सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ऐसे ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू के लिए सवाल तैयार करने पड़ते हैं और बैकग्राउंडर तैयार करने पड़ते हैं, उनका पूरा का पूरा जो है एक बायोडाटा आपकी जानकारी में होना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं वो सब आपको मालूम होनी चाहिए। फिर उसके अलावा है रिपोर्टेज, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो है वो साहित्य की विधा भी है। आप लोगों ने यदि हिंदी पढ़ी हो और हिंदी में महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र या स्मृति की रेखाएं, इस तरह की चीजें पढ़ी हूं तो उसको रिपोर्टाज बोलते हैं। ऐसी धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय पढ़ा हो या धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज जो है जो उन्होंने बांग्लादेश युद्ध की भूमि से सीधे भेजे थे वो रिपोर्टाज पढ़े हूँ तो आपको समझ। या फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी जन्म शताब्दी चल रही है अभी, फणीश्वरनाथ रेणु ने नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन पर जो है काफी रिपोर्टाज लिखे थे। बिहार के अकाल पर, बिहार के आंदोलन पर, 1974 के आंदोलन पर काफी जो है दिनमान में उन्होंने लिखे थे। हालांकि अब वो सब चीजें छप के भी आ गई, किताब के रूप में भी छप के आ गई, तो वो सब जो है रिपोर्टाज की शैली में आती हैं। रिपोर्टाज का मतलब है, रिपोर्ट तो सिंपल आप लिखते हैं आज के लिए होती है, रिपोर्टाज जो है एक साहित्यिक विधा है। गंभीरता से आप उस समस्या को समझते हैं, किसी घटनास्थल पर जाते हैं और उस घटनास्थल की पूरी पूरा आंखों देखा हाल, लोगों से बातचीत और पूरा एक उसको महसूस करके अपने शब्दों में आप उसको लिखते हैं, साहित्यिक अंदाज में लिखते हैं। उसके लिए थोड़ा भाषा का सौष्ठव जो है आपके अंदर, परिनिष्ठित भाषा सौंदर्य, जो भाषा का जो सौंदर्य है वो होना बहुत जरूरी है। अब आता है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग जो है वो यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, काफी यात्रा वृतांत छपते हैं। यात्रा वृतांत की अलग से मैगजीन्स भी आती हैं और अखबारों में भी यात्रा वृतांत छपते हैं। यात्रा वृतांत जो है वो आजकल बहुत सपाट भी छपने लग गए हैं, जैसे मैं यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और ट्रेवल रूट ये है, यहाँ से वहां तक का इतना टैक्सी का किराया लगता है, रहने के इतने होटल हैं, ये हैं वो हैं, ये बेसिक फैक्ट्स भी छपते हैं और साथ ही साथ क्या आपने देखा महसूस किया वो भी छपता है। लेकिन एक तो ये सिंपल ट्रेवलॉग हुआ यात्रा वृतांत, लेकिन ऐसे इससे अधिक जो है वो बहुत गंभीर ट्रेवलॉग भी होते हैं, जो साहित्यिक ट्रेवलॉग होते हैं। यात्रा वृतांत जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेवलॉग जो है, आप लाइब्रेरी जाएं तो वहां पढ़ें। प्रबोध कुमार बंदोपाध्याय का एक देवात्मा हिमालय,
1956 में ये किताब छपी थी और हिमालय के बारे में बहुत बढ़िया उन्होंने ट्रेवलॉग लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रेवलॉग लिखे हैं। मैं 1987 में बंगाल के एक गांव में गया तो जिस घर में मैं टिका वो उस घर के जो मालिक थे वो बंगला जानते थे सिर्फ, ना हिंदी ना अंग्रेजी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने कहा कि मैं पिथौरागढ़ का हूँ। तो उन्होंने कहा कि अस्कोट तक जो है 1958 में रोड चली गई थी, अब कहाँ तक गई है। तो मैंने कहा करे आपको अस्कोट का मालूम है नाम, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अस्कोट मालूम है मुझे। और मैंने कहा कि अब तवाघाट तक बन गई है, तवाघाट से भी आगे जो है वो बन रही है। तो एक मैंने कहा उनसे पूछा क्या आप वहाँ गए हैं, अस्कोट गए हैं क्या, धारचूला आप गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं गया नहीं, मैंने जो है वो देवात्मा हिमालय जो है वो किताब पढ़ी है, उसी से मैं जान गया। आप सोचिए 1958 में उस आदमी ने वो किताब पढ़ी होगी और कितना तल्लीन होकर के वो किताब पढ़ी होगी। और फिर उसके बाद जो है वो 1987 में वो बता रहा है कि अस्कोट का नाम उसको याद है और कह रहा है कि वहाँ जो है तक रोड चली गई थी। तो अब आप सोचिए कि कितना महत्व है, कितना महत्व है ट्रेवलॉग का। राहुल सांकृत्यायन का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिमालय के ट्रेवलॉग लिखे हैं, हिमाचल प्रदेश के ट्रेवलॉग लिखे हैं, कुमाऊं के ट्रेवलॉग लिखे हैं, बहुत सारे ट्रेवलॉग उन्होंने लिखे हैं और बहुत ही मार्मिक ट्रेवलॉग है वो, जरा आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपको सिंपल ट्रेवलॉग अखबारी ट्रेवलॉग लिखने हैं तब भी आपको गंभीर ट्रेवलॉग की पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ऐसे ही एक सज्जन हैं नेत्र सिंह रावत, जो जिन्होंने दिनमान में अपनी मुनस्यारी से आगे जो है मिलम ग्लेशियर की यात्रा लिखी। मिलम ग्लेशियर जो है आप जानते हैं कि पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ये जो है ये अपना मुनस्यारी से आगे है जोहार वैली से। तो वहाँ वो गए, वो मूलतः उसी तरफ के कपकोट की तरफ के थे रहने वाले, उन्होंने उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं मिलम ग्लेशियर तक जाऊं और तिब्बत बॉर्डर को देखूं अपने आंखों से। तो गए और उसके बाद उन्होंने उसको पत्थर और पानी नाम से लिखा, वो दिनमान में सीरियलाइज हुआ, अलग अलग अंकों में धारावाहिक रूप से वो छपा यात्रा वृतांत, और फिर वो किताब के रूप में भी छपा है। और मैंने देखा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे क्लासेस में ये लगा हुआ है। तो ये पत्थर और पानी जरूर आप यदि आप पढ़ सकें, कहीं से मिल जाए, बड़ी छोटी सी किताब है, यदि आप पढ़ सकें तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि क्या हिमालय है, क्या हिमालय के अंदर गंभीरता है, बहुत ही बढ़िया जो है दृश्य वर्णन उसमें दिखाई देता है। तो ट्रेवलॉग है, ट्रेवलॉग के अलावा मेमोयर है, संस्मरण, यात्रा संस्मरण जो है वो भी ट्रेवलॉग का ही एक तरह से आगे का रूप है। संस्मरण ज्यादा जब आप संस्मरण भी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है और किसी जगह के बारे में भी हो सकता है। किसी जगह के बारे में संस्मरण आप लिख सकते हैं, कहीं आप गए बहुत साल के बाद आपको बहुत हॉन्ट किया उस जगह को और वहां से आने के बाद आपने संस्मरण दिखा। फिर उसके बाद जो है एक तो ये है कि व्यक्ति के बारे में, यदि आप किसी व्यक्ति से मिले हैं और आपका संबंध उनसे बहुत अच्छा है तो उनका आपने संस्मरण लिखा। उसमें प्रोफाइल बहुत बढ़िया लिखना चाहिए व्यक्ति का, आपको पकड़ होनी चाहिए उस वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर क्या है वो सब पकड़ आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप बढ़िया जो है मेमोइर लिख सकते हैं। कुछ रेमिनिसेंसेस भी होते हैं, रेमिनिसेंसेस जो है वो बीच में एक नया शब्द आया था रेमिनिसेंसेस, एक तरह से आत्ममंथन, कहीं आप जाते हैं और उसके बाद जो है आत्ममंथन करते हैं तो आत्ममंथन को रेमिनिसेंसेस कहते हैं। तो कई लोग जो है रेमिनिसेंसेस भी लिखते हैं, इस तरह से जो है वो मेमोइर का महत्व है। प्रोफाइल, प्रोफाइल आप देखते हैं कि अखबार में अक्सर छपते हैं, कोई किसी आदमी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल गया, किसी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, किसी को जो है वैज्ञानिक पुरस्कार मिल गया, किसी को पद्म भूषण मिल गया,
तो उसके बारे में एक प्रोफाइल जैसा छपता है, ये आदमी कौन है, क्या है, क्या इसका योगदान है, व्यक्तित्व और कृतित्व जो है उसका, वो छपता है। वो भी अखबार की शैली में बढ़िया तरीके से लिखना आना चाहिए। प्रोफाइल का ही एक और रूप है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो है ओबिचोरी। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी ओबिचोरी लिखी जाती है। ओबिचोरी का मतलब है मृत्यु के उपरांत जीवनी, जीवनी जो है मृत्यु के बाद लिखी जाने वाली जीवनी। अक्सर जो है अखबारों में, यहाँ तक कि टेलीविजन में भी मृत्यु उपरांत जीवनी जो है वो लिखी जाती है। और ये जो जीवनी है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बारे में पाठक जानना चाहता है कि ये आदमी था कौन, इसका क्या योगदान था समाज के लिए। तो उसके बारे में आप बढ़िया तरीके से किसी विशेषज्ञ से भी राय लेते हैं, उसका एक प्रोफाइल जो है अपने लाइब्रेरी की मदद से, अपने जो अखबार के अंदर एक रेफरेंस लाइब्रेरी होती है उसकी मदद से, आप एक रेफरेंस की मदद से आप एक प्रोफाइल तैयार करते हैं, उसका जीवन वृत्त तैयार करते हैं। फिर उसके अलावा किसी विशेषज्ञ की राय लेते हैं, उसके संस्मरण भी साथ में दे देते हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल जो है वो देना चाहिए। शब्द चित्र भी एक ऐसा ही, इसी प्रोफाइल का ही एक आगे का साहित्यिक रूप है, शब्द चित्र और रेखा चित्र। शब्द चित्र जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आपने महादेवी वर्मा के मेरा परिवार यदि आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह के शब्द चित्र उसमें है। सोना हिरणी, गिल्लू, गिल्लू जो है, गिल्लू गिलहरी के बारे में कितना बढ़िया जो है वो उन्होंने उसका शब्द चित्र खींचा है। ऐसा लगता है कि आपके सामने ही गिल्लू जो है वो खेल कूद रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो प्रोफाइल का एक आगे का वर्सन है शब्द चित्र या रेखा चित्र। तो ये भी आप पढ़िए, आप मतलब साहित्य पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो आपको तब मालूम पड़ेगा कि क्या आप करना चाहते हैं अपने जीवन में। इसी तरह से फीचर है। फीचर मैंने आपको पहले समाचार फीचर बताया था। फीचर में भावनाएं ज्यादा होती हैं और फीचर वैसे लेख से थोड़ा सा हटकर होता है। लेख में तो तर्क वितर्क ज्यादा होते हैं, फीचर में आप जानकारी ज्यादा देते हैं। फीचर भी कई तरह के होते हैं, खास करके जो कैलेंडर फीचर होते हैं, जैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली को लेकर के आप फीचर जो है तैयार कर देते हैं पहले से ही। इस बार दिवाली में चीनी खिलौने नहीं आए, चीनी लड़ियां नहीं आई, तो उसके ऊपर एक फीचर हो जाएगा, वो समाचार फीचर कहलाएगा, लेकिन फीचर हो जाएगा। तो इसी तरह से दिवाली को लेकर के भी तरह तरह के, होली को लेकर के तरह तरह के फीचर, कुछ उसके उद्भव और विकास को लेकर के फीचर हो सकते हैं, कुछ उसके इतिहास को लेकर के फीचर हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज को लेकर के फीचर हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन कैसे होली मनाते हैं, सलमान खान कैसे होली दिवाली मनाते हैं, तो ये जो है एक फीचर हो गया। फीचर के भी कई रूप होते हैं, उसको फिर आगे डिटेल में आप कभी बताएंगे। और एक और है इसका आखिरी जो है वो रिव्यू, समीक्षा। रिव्यू जो है वो हम, हर आदमी सोचता है कि हम रिव्यू लिख सकते हैं, पुस्तक समीक्षा, नाटक समीक्षा, फिल्म समीक्षा, और इसी तरह से बाजार समीक्षा, शेयर बाजार की समीक्षा, खेल समीक्षा, कमेंट्री की समीक्षा, इस तरह से टेलीविजन की समीक्षा, तो तरह तरह की समीक्षाएं होती हैं आजकल। आजकल तो हर चीज के एल्बम की समीक्षा होने लग गई है, आजकल जो है वो समीक्षा एक नए होटल की समीक्षा होने लग गई है। समीक्षा का बहुत ज्यादा चलन है, इस समय बहुत ज्यादा चलन है। तो समीक्षाएं, बहुत तरह की समीक्षाएं होती हैं, इन समीक्षाओं को आपको समझना चाहिए। बेसिकली ये है कि समीक्षा जो लिख रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिस विषय की आप समीक्षा लिख रहे हैं। जैसे किताब की समीक्षा, आप मैं बताऊं आपको, यदि आप किताब की समीक्षा लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप साहित्य पढ़े हुए हैं, एमए किए हुए हिंदी में और आप किताब समीक्षा लिखने लगे हैं मैथमेटिक्स की किताब की, विज्ञान की किताब की, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साहित्य पढ़े हुए हैं तो साहित्य की ही किताब की समीक्षा लिखिए, यदि विज्ञान पढ़े हुए हैं तो विज्ञान की किताब की समीक्षा लिखिए। तो इस तरह से जो है वो समीक्षा भी विषयवार होती है।
और उस विषय की वैसी ही भाषा भी होती है। संगीत समीक्षा, नृत्य समीक्षा और शास्त्रीय संगीत की अलग समीक्षा होती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो है डांस वांस होते हैं, विदेशी डांस, उसके अलग समीक्षा होती है। तो बेसिकली जो है आपको उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। उस कला समीक्षा है, जैसे कला समीक्षा जो है वो जब तक आप कला के बारे में जानेंगे नहीं तब तक समीक्षा क्या लिखेंगे। आप पिकासो की पेंटिंग जो है कहीं लगती है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपको पिकासो के बारे में नहीं मालूम, पिकासो के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो आप पिकासो की जो है 3 मंजिला जो है प्रदर्शनी देख करके आ जाएंगे और आप 5 मिनट में खत्म कर देंगे प्रदर्शनी। अब सैयद हैदर रजा जो है, जो सबसे महंगे बिकने वाले हैं, या वीएस गायतोंडे हैं, जिनके सबसे ज्यादा महंगी जो है वो बिकती है पेंटिंग, उसकी पेंटिंग आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। महिषासुर जो है पेंटिंग है वीएस गायतोंडे की, अब उसको देख करके कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। बशर्त इसलिए उसके बारे में बैकग्राउंड आपको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो है वो विषयवार आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप समीक्षा लिख सकते हैं। और इस तरह से जो है तरह तरह की जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल से हो गई हैं, और इसके लिए जरूरी है टिप्स। इसके लिए जो है जरूरी ये है कि आपको भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। मीडिया राइटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी भाषा अच्छी सरल होनी चाहिए और विषयानुकूल होनी चाहिए। यदि आप समीक्षा लिख रहे हैं तो समीक्षा की जैसी भाषा भी होनी चाहिए। यदि आप न्यूज लिख रहे हैं तो न्यूज की भाषा होनी चाहिए। यदि आप लेख लिख रहे हैं तो लेख की भाषा होनी चाहिए। हर चीज की भाषा का अपना एक तेवर होता है, अपनी एक लेयर जो है परत होती है, उस हिसाब से आपकी भाषा होनी चाहिए। कठिन भाषा भी सीखिए और आसान भाषा भी सीखिए। जो फिल्मों की भाषा है वो आमतौर पर अखबारों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, पत्रकारिता के लिए सबसे अच्छी जो है फिल्मों की भाषा मानी जाती है, ताकि आप जो है सिंपल लिख सकें। अब अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत जो प्रचलित अंग्रेजी के शब्द हैं उनका इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी आप जो पाठक के लिख रहे हैं तो पाठक के प्रति आपके मन में एक इज्जत होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम तड़ाम की भाषा लिखें। आमतौर पर जो है वो आमतौर पर हम लोग बच्चों के कॉलम में लिख देते हैं, बच्चों तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वहां चल जाता है। लेकिन आमतौर पर जो बड़ों के लिए लेखन कर रहे हैं हम लोग, वहां जो है वो तुम तड़ाम की भाषा नहीं, थोड़ा इज्जत के साथ, थोड़ा सम्मान के साथ, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए। नॉट यूजिंग फर्स्ट पर्सन इन राइटिंग, हाँ, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल केवल जो है वो कॉलम में लिखा जाता है या कमेंट्री में लिखा जाता है, बाकी जगह उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। हर आदमी कहता है मैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो ठीक नहीं लगता है। लेखक जो है वो अपने आप को थोड़ा सा छिपा के रखे, साइलेंट रखे, तथ्यों के साथ आप अपनी बात करें तो वो बेहतर होता है। इसी तरह से इमोशनल कंटेंट एंड फैक्ट्स फॉर फीचर राइटिंग, फीचर राइटिंग के लिए थोड़ा इमोशनल कंटेंट होता है, थोड़ा सा जो चीजें दिल को छू सकें ऐसी चीजें होती हैं, और फीचर राइटिंग के लिए जरूरी है फैक्ट्स भी होने चाहिए। बिना फैक्ट के केवल इमोशन ही इमोशन आप लिखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आर्टिकल में बहुत ज्यादा इमोशन से काम नहीं चलता है, उसमें बिल्कुल लॉजिकली आपको फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखनी पड़ती है। इसी तरह से डेवलप योर ओन स्टाइल, अपना स्टाइल डेवलप कीजिए, किसी की नकल मत कीजिए। प्लेजियरिज्म जो है आजकल बहुत बड़ा इशू बन गया है, जो साहित्यिक चोरी है, किताबी चोरी जो होती है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं भी आप पकड़े गए तो आप फंस सकते हैं। इसलिए जो है अपना स्टाइल डेवलप कीजिए और अपना लिखिए, अपने मन से लिखिए, वो आपको संतोष देगा, उससे आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन चोरी करके लिखेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे हमेशा झिझक बनी रहेगी, मैंने जो है किसी से चोरी की। इसी तरह से क्रेडिबिलिटी, इसी से जो है आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी जो विश्वसनीयता है, साख है, वो इससे बनती है। तो ये जो है मेनली मैं आपको बताना चाहता था।
और मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा आपका समय मैंने ले लिया है, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनमें से कुछ बातें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई हैं तो भी हम सवाल जवाब कर सकते हैं। वैसे कल भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे, कल हम लोग एक सेशन पूरा क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे। मैं अपनी बात को फिलहाल यही समाप्त करता हूँ।